आज का वीडियो किसी भी एम्पियर से यानी सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों एम्पियर से हम किलोवाट निकालना सीखेंगे। और साथ साथ दोस्तों जो यूनिट आपने सब सुना होगा कि हमारे घरों के अंदर जो यूनिट आती है जो कि KWH में होती है, तो हम वो भी निकालना सीखेंगे। यानी आपके पास एम्पियर है, करंट है, और करंट से हम KW भी निकालना सीखेंगे और साथ साथ KWH भी निकालना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए घरों के अंदर जो वर्क करते हैं उनके लिए भी काम आने वाला है, और थ्री फेज सिस्टम जो हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं ना उनके लिए भी काम आने वाला है। तो दोस्तों एक सिंगल फेज सिस्टम में बात जो कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं दोस्तों एक 10 एम्पियर करंट है, तो उसका हमको दोस्तों KW निकालना है। सबसे पहले किलोवाट निकालना पड़ेगा, किलोवाट निकालेंगे उसके बाद में हम यूनिट निकालेंगे। यानी जो KWH होता है, जो हमारी यूनिट आती है जो घरों की, वो किलोवाट के बाद में निकलती है। तो सबसे पहले हमको किलोवाट निकालना पड़ेगा। किलोवाट का मतलब होता है दोस्तों पावर, कि हमारी कितनी पावर कंजप्शन हो रही है। और दोस्तों थ्री फेज के अंदर भी हम एक 10 एम्पियर का ही एग्जांपल लेके चलेंगे कि दोनों के अंदर 10 एम्पियर जो करंट है, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो आखिर इसका पावर कितनी है और इसकी यूनिट कितनी है। आपको जैसे पता है कि सिंगल फेज सिस्टम जो होता है वो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, और हम यहाँ पे एग्जांपल भी 220 वोल्टेज का ही लिखे चल रहे हैं। और साथ साथ दोस्तों एक और वर्ड आपने सुना होगा, पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर वर्ड बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपको पावर फैक्टर नहीं पता है, वैसे अगर आपको पावर फैक्टर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 0.9 मान के चलिए अगर आप घर के अंदर यूज कर रहे हैं। और अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक बहुत शानदार और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों मैं फिर भी इसके अंदर बताऊँ कि 0.9 मान के क्यों चल रहा हूँ मैं पावर फैक्टर, क्योंकि दोस्तों हमारा जो घरों का जो लोड होता है, आपको मैं सबसे पहले चीज ये बताऊं कि जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर हमारा ऐसे चलता है 1, फिर 0.9, और खराब पावर फैक्टर हुआ तो 0.8, फिर और खराब हुआ तो 0.7, फिर और खराब हुआ तो 0.6। जैसे पावर फैक्टर खराब होता है वैसे वैसे ही कम होता जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जैसे हमारा पावर फैक्टर खराब कब होता है, ये सवाल उठता है। तो पावर फैक्टर हमारा खराब होता है जैसे आपके घर के अंदर लोड अलग अलग टाइप का है। कोई है एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, इसको ट्यूबलाइट मानिए। ट्यूबलाइट के अलावा आपके घर में बल्ब लगे होते हैं, ठीक है। बल्ब के अलावा दोस्तों आपके घरों में फैन होते हैं, फैन के अलावा घरों में मोटर होती है, पानी भरने की मोटर, कुल्लू पंप जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये सब अलग अलग टाइप के लोड होते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों ये जो ट्यूबलाइट जो लोड है, ये हमारा पावर फैक्टर कभी ख़राब नहीं करता। जो हमारा जो बल्ब है, ये हमारा पावर फैक्टर कभी ख़राब नहीं करते। तो आखिर पावर फैक्टर ख़राब कौन करते हैं? तो पावर फैक्टर ऐसी चीज़ ख़राब करती है जिसके अंदर हमारे वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग के साथ साथ उसके अंदर एक रोटेटिंग पार्ट होता है। जैसे कि हमारे घर के जो फैन होते हैं, फैन के अंदर आपने देखा होगा कोईल होती है, कोईल मतलब वाइंडिंग होती है, और उस वाइंडिंग के साथ साथ उसके अंदर एक रोटेशन पार्ट भी होता है, जो हमारा रोटर होता है, जो हमारा फैन घूमता है। जैसे आपके पानी की मोटर देखी होगी, पानी की मोटर में भी क्या होता है, पानी की मोटर में एक तो हमारी वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग के साथ साथ उसके अंदर एक पंप घूमने का भी रोटर होता है। तो वो रोटर जो होता है, और ये दोनों चीज़ जहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाता है, कोईल वाइंडिंग का और हमारा साथ साथ रोटेशन का, तो ये दोनों जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है वो हमारा पावर फैक्टर कम करने लग जाता है। तो दोस्तों ये अलग वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर सेफ रेट, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएं। तो दोस्तों हमारे घर के अंदर जो ऐसे लोड होते हैं जो पावर फैक्टर कम करने वाले, वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे हमारे घर का एक ओनली फैन होता है, और किसी किसी घर में जो मोटर हम कभी कभी यूज करते हैं तो मोटर भी मानते हैं। तो दोस्तों हम पावर फैक्टर मान के चलते 0.9, पर दोस्तों हम इंडस्ट्री के अंदर जो मान के चलेंगे, इंडस्ट्री का भी मान के चलते हैं, तो हम यहाँ वोल्टेज हम मान के चलते 415, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम में सामान्य हम 415 वोल्टेज यूज लेते हैं। 415 के बाद में दोस्तों हम पावर फैक्टर जो मान के चलते, इसमें मान के चलते दोस्तों हम 0.8, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर मोटर यूज होती है, तो मोटर का पावर फैक्टर जो होता है वो 0.8 से 0.9 होता है। तो दोस्तों हम 0.8 मान के चल रहे हैं। तो दोस्तों हमको जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमारे पास हो चुकी है। ये सब चीज़ें आप आराम से निकाल लोगे। आपका एम्पियर आपको पता है, एम्पियर के साथ में आपको वोल्टेज तो पता ही होता है हमारे घरों के, और पावर फैक्टर अगर आपको नहीं पता है तो आप 0.9 मान के चलिए। तो दोस्तों अब मैं इसका किलोवाट निकालता हूँ सिंगल फेज सिस्टम का, और साथ साथ मैं थ्री फेज सिस्टम का भी किलोवाट निकाल लूँगा। तो दोस्तों सिंगल फेज यानी कभी भी हमको किलोवाट निकालना है, तो दोस्तों हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, यानी जितनी भी चीज़ें, जैसे आपके पास एक तो करंट हो गया, एक हो गया हमारे पास वोल्टेज, और एक हो गया पावर फैक्टर। तो दोस्तों क्या है, हमारे पास जितनी भी चीज़ें, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और हमारा किलोवाट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, मैं भी आपको और क्लियर करूँगा। तो दोस्तों करंट क्या है, करंट मेरे पास है 10 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 220 वोल्टेज, और पावर फैक्टर कितना है 0.9। तो दोस्तों तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो आएगा 2200 × 0.9, और दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1980। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई, ये हमारी आती है वाट में। यानी हमने तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करा, हमारे पास वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर तीनों को मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास आ जाएंगे वाट। अब वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है। वाट को किलोवाट में कभी भी कन्वर्ट करना है तो आपको बस इसमें 1000 का भाग लगाना है, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। तो मैं वाट के अंदर भाग लगा दूंगा 1000 का, तो ये किलोवाट हो जाएगा। तो 10 से 10 कट गया दोस्तों, और बच्चे 20, तो 20 मतलब दो गिनती के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो 12 तो मतलब 1.98 किलोवाट। तो दोस्तों एक बार हम थ्री फेज की बात करते हैं, उसके बाद में हम यूनिट की बात करेंगे। यूनिट का मतलब होता है दोस्तों KWH। अभी हमारे पास आया पावर, पावर का मतलब हुआ किलोवाट, KW। तो हमने अभी किलोवाट निकाल लिया है, इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे किलोवाट से KWH कैसे निकलता है। अब दोस्तों हम थ्री फेज सिस्टम की बात करते हैं। थ्री फेज सिस्टम के अंदर भी सेम होगा। सबसे पहले हम वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज इंटू
पावर फैक्टर इंटू करंट, ये मल्टीप्लाई होगा। पर दोस्तों थ्री फेज के अंदर वो हमेशा वोल्टेज के साथ में एक और रूट थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपने मेरे और वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा ये चीज़। अगर नहीं पता है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी हमेशा वोल्टेज के साथ में रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो दोस्तों अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट थ्री की वैल्यू जो होती है वो तो हमेशा फिक्स होती है। ये रूट थ्री की जो वैल्यू होती है दोस्तों 1.732 होती है। तो 1.732 इंटू वोल्टेज मैंने आपको बताया 415 पे हम वर्क कर रहे हैं, 415 इंटू पावर फैक्टर हमारे पास है 0.8 और करंट जो है हमारा, करंट मैंने आपको बताया था 10 एम्पीयर, दोनों का एग्जांपल लेके चल रहा है। तो दोस्तों इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे 415 इंटू। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप मुझे बताया कीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रहते हैं ना दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए, क्योंकि मैं उसी समय आपकी मदद करता हूं और रिप्लाई करता हूं। अगर दोस्तों वहां पे रिप्लाई में अगर वो आंसर सॉल्व नहीं होता है तो मैं उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा कीजिए। दोस्तों अब इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया सबका वो आया दोस्तों 5750। अब दोस्तों आपको पता है कि इसको 5750 को ये तो हमारे आए वाट। अब इस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, हम इसके अंदर 1000 का भाग लगा देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचे दो जीरो, तो इन दो के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब 5.75 किलोवाट। तो दोस्तों ये आ गया हमारा थ्री फेज का किलोवाट। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं किलोवाट निकालना सिखाऊंगा, साथ साथ आपको यूनिट निकालना सिखाऊंगा। तो दोस्तों एक और आपको चीज़ बताऊं इसी के अंदर, दोस्तों एक और आपने वर्ड सुना होगा KVA, ठीक है, KVA वर्ड सुना है। तो सबसे पहले मैं उसको क्लियर करूँ कि KVA आखिर क्या होता है। तो दोस्तों KVA निकालना बहुत ही सिंपल होता है। KVA निकालने के लिए आपको ये जो चीज़ है ना अभी आपने जो करी बिल्कुल सेम की सेम होगी, बस इसके अंदर से मैं अगर ये पावर फैक्टर हटा दूंगा ना, यानी मैं जो मल्टीप्लाई करा इसके अंदर से मैं पावर फैक्टर हटा दूंगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा इसके अंदर, बस इनको ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा ना वो KVA में आएगा। तो यहाँ पे कुछ कम आएगा, फिर बाद में मैं डिवाइड करूंगा 1000 से। सबसे पहले तो जैसे अभी यहाँ पे वाट में आया तो उसमें VA में आएगा, फिर बाद में मैं इसको 1000 से भाग लगा दूंगा तो वो हो जाएगा KVA में। इसी तरह दोस्तों इसके अंदर भी अगर मैं जैसे 2200 थे तो 2200 मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या करा 0.9 जो पावर फैक्टर था, अगर मैं इस पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करता 2200 से डायरेक्ट 1000 का भाग लगा देता तो मेरा आ जाता 2.2 KVA। तो दोस्तों इस तरीके से KVA निकलता है, आप बस पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई मत कीजिए तो वो KVA आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट क्या होता है। दोस्तों यूनिट बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है तो उस क्वेश्चन के साथ में दोस्तों हो सके तो आप मुझे अपने नंबर भी साथ में लिखा कीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई कोई चीज़ें होती है ना जो मैसेज पे टाइप करके बताने नहीं आती है, तो उसके लिए क्या दोस्तों मैं उसी समय आपको रिटर्न कॉल कर सकता हूं। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नंबर भी साथ में लिखा कीजिए ताकि मैं आपको रिटर्न कॉल कर सकूं और कॉल पर आपको समझा सकूं। तो दोस्तों लाइट जाने के कारण ये वीडियो मैंने यहाँ से स्किप करा है, अब मैं इसको आपको वापस से यहाँ समझाता हूँ कि आखिर यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों यूनिट एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे आप मान के चलिए दोस्तों अगर हमारा 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है एक सिंगल फेज घर के, अगर बात करते हैं सिंगल फेज सिस्टम जो है यानी घरों की, तो सिंगल फेज सिस्टम घरों के अंदर अगर 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो हमने निकाला जो हमारी पावर जो खर्च होगी वो होगी 1.98, इसको हम 2 किलोवाट मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 किलोवाट ही है ये, 1.99 तो हो ही रही है तो हम इसको 2 किलोवाट मान लेते हैं। तो दोस्तों अब जैसे 2 किलोवाट अगर खर्च हो रही है, अब दोस्तों आप एक और चीज़ मानिए कि जैसे अगर हमारा 10 एम्पीयर जो करंट फ्लो हो रहा है ना, आपको ये समझना बहुत ईजी होएगा ताकि ये 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है ये हमारा कंटिन्यू 10 एम्पीयर ही है, यानी हमारा जो है जैसे पर हमारे घर का जो लोड होता है वो फ्लक्चुएट होता है ना, आपको जैसे पता है कि हम सुबह जो होते हैं सुबह कम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, रात को हम टीवी फैन पंखे कूलर सब चला देते हैं तो हमारा ज़्यादा करंट खर्च होता है। पर अभी आप मानिए कि 10 एम्पीयर हमारा सुबह भी खर्च हो रहा है और रात तक मतलब 24 घंटे हमारा 10 एम्पीयर ही खर्च हो रहा है, तो 10 एम्पीयर 24 घंटे खर्च हो रहा है तो मतलब ये 2 किलोवाट हमारा 24 घंटे तक कंटिन्यू आ रहा है। तो 2 किलोवाट इंटू 24 कर लो आप इसको, तो 24 इंटू 2 मतलब 48 kWh। अगर जैसे 2 किलोवाट अगर कंटिन्यू आपका 10 एम्पीयर एक घंटे के लिए चल रहा है ना तो 2 kWh हो जाएगा, H साथ में आ जाएगा, यानी एक घंटे तक आपकी कंटिन्यू यही यूनिट चल रही है। पर दोस्तों इतना करंट आता नहीं है, मतलब 48 घंटे रोज की kWh आना मतलब बहुत ही हैवी करंट हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं एवरेज निकालूं कि 48 के हिसाब से अगर आपकी एक यूनिट के अगर 8 रुपये भी गवर्नमेंट चार्ज कर रही है तो मतलब 384 रुपये तो एक दिन के बिल आ रहा है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा है, पर आप निकालिए कि आपका जो घर का जो करंट होता है, करंट 10 एम्पीयर कभी यूज़ नहीं होता है हमारे घर में। तो मैंने तो एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने के लिए 10 एम्पीयर करंट लिया था, वरना हमारे घरों के अंदर जो है करंट 10 एम्पीयर खर्च नहीं होता है। आप दोस्तों इसको कैलकुलेट करना सीख गए हैं, तो दोस्तों अब आप एम्पीयर से kWh निकालना सीख गए हैं। अगर फिर भी अगर आपको निकालने में कभी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ साथ दोस्तों आप अपने नंबर भी लिखा कीजिए ताकि मैं आपको फोन पे भी मदद कर सकूं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आप इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।